गाइस कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीकली गॉसिप की वीडियो में आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस ईद के बाद खुलने के बाद दोबारा बढ़ा, लेकिन अब फिर कैसे थोड़े कम आ रहे हैं। हिंदुस्तान में भी केसेस कम आ रहे हैं, जापान की इकोनॉमी श्रिंक हो गई है, जंग बंद हो चुकी है और बहुत कुछ। यार ईद के बाद ना पाकिस्तान में कोविड के केसेस बढ़ना शुरू हो गए। जाहिर बात है ईद में सारे घर में बैठे हुए बहुत कम थे जो यार बाहर तो कहीं जा नहीं सकते थे, कोई बुलाएगा तो जाएंगे तो कोई पागल है किसी को बुलाए। बहुत ऐसे कम लोग हैं जो बाहर कहीं गए हैं, केसेस 1500 तक आ गए, जैसे खुला केसेस पर 3500-4000 तक चले गए। अब फिर कुछ केसेस नीचे आ रहे हैं, बातों में कमी हो रही है, लेकिन जब स्कूल खुलेंगे ये फिर होगा यार, ये तो होगा, ये खबर है। एवरीबडी इज एंग्री, मूडी अंडर फायर ओवर इंडियाज कोविड सेकंड वेव। यानी कि हम तो तीसरी वेव में है और इंडिया तो दूसरी वेव में अभी तक फंसा हुआ है, उसकी तो तीसरी वेव ही नहीं आई अभी। अभी दूसरी वेव ये है और अभी कह रहे हैं कि मई जून तक आपकी तीसरी वेव आएगी, वो इससे भी खतरनाक होगी। ये खबर आई है द वर्ल्ड इकोनॉमी इज सडनली रनिंग लो ऑन एवरीथिंग। जाहिर बात है यार कोरोना है। मैं तो कहता हूँ ऐसे बड़े बड़े अखबारों को ट्रिब्यून, ये आप अखबार ये खबर स्टेटमेंट ना शायद क्या करें कि मोशत कोलैप्स कर गई है। भाई मैं पता है पूरी दुनिया की मोशत कोलैप्स कर गई, मास वह चाइना और थोड़ा बहुत पाकिस्तान ने कुछ इकदाम किए जिसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया के मुकाबले मनफी में तो है, लेकिन वो मनफी 0.4 है। बहुत से बड़े बड़े ममालिक तो इस टाइम -10, -20 में है, हम तो -0 में है। अल्लाह के फजल से हम अब आज यहाँ तक पहुंचे हैं और अभी तक पाकिस्तान में 1 मिलियन केसेस नहीं हुए। चाइना ने तारीख रकम कर दिया यार, ये चाइना जो है ना ये अब अमेरिका को टिच करेगा। देखो अमेरिका वाहिद मुल्क है जिसने तकरीबन सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर रिसर्च की, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, यूरेनस या रशिया हो गए, लेकिन अब चाइना आ गया। चाइना ने अपना जो पहला एयर स्पेस है एयर स्पेस क्राफ्ट वो मार्स में भेज दे, लैंड कर गया, उनके बारे में वो मट्टी इकट्ठी करेगा फिर रिसर्च करेंगे वो। लेकिन चाइना वो दूसरा मुल्क बन चुका है जिसने मार्स के ऊपर अपने कदम रख दिए। ये खबर आई है कि पीएम इमरान लोड्स ओवरसीज पाकिस्तानी फॉर सेंडिंग $2.8 billion इन रेमिटेंसेस। नवी खुशखबरी, पहले हमें पिछले महीने हमें दो अरब डॉलर के रेमिटेंसेस मिले 10 महीनों में, मतलब 10 महीनों में हमारे रेमिटेंसेस आ रहे थे 2.08, 2.04, 2.1 बढ़िया दो गई तो। लेकिन इस महीने में तो हाथ ही मुक गई है 2.8, यानी कि $800 million ज्यादा हमें मिले हैं। ये बहुत अच्छी खबर है, ये क्यों हो रहा है और अभी क्यों ना। देखिए आपका इस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा है वो इमरान खान है। इमरान खान वो आदमी है जिसने ओवरसीज पाकिस्तानियों को सबसे पहले अपने अंदर जकड़ा। आप समझ लें कि इमरान खान ने एक पैक्ट कर लिया फौरन पाकिस्तानियों से, देखो जैसी मुझे आप मुल्क की जरूरत होगी मैं आपसे चंदा मांगूंगा। और वो पूरी दुनिया को पता है कि खान साहब बाहर जब जाते थे तो बक्से भर भर के मुल्क में लाते थे। वो 9 million to 10 million पाकिस्तानी बाहर रहते हैं आपके, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। अभी वो वोटिंग मशीन का कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हाँ ये आप कर सकते हैं। इसके ऊपर फवाद चौधरी, शिबली फराज साहब और कुछ कर रहे हैं काम, तो अब टच वच दे रहे हैं इसे, लेकिन 2023 तक तो ये हो जाएगा तब मुझे पता है। अगर ये हो गया 2023 का इलेक्शन PTI इमरान खान जीत जाएगा बहुत आसानी से। 90 लाख के करीब वोटर्स आपके बाहर रहते हैं, अगर 90 लाख में से 10 लाख वोटर हैं, चले इतने से ज्यादा हैं, अगर 10 लाख टोटल वोटर्स हैं, अगर खान साहब 4-5 लाख वोट भी छीन लें बड़ी सीटें निकल आएंगे। जापान, जो मैंने अभी बताया था कि पाकिस्तान से IT के जो एक्सपर्ट है वो जापान मुंतकिल हो गए हैं, लेकिन फिर भी जापान की इकोनॉमी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सालाना ओवरऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में एनुअलाइज्ड हुई है 5.1% श्रिंक खत्म, 5 तीसरे नंबर पे है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी आपकी इस टाइम अमेरिका की है, फिर चाइना की है, फिर जापान की है, इतना सा मुल्क लेकिन बहुत पैसा, रोबोट्स, टेक्नोलॉजी, तोशिबा, कावासा, ये इनकी है, तो ये इनकी कंपनीज हैं और इन्हीं की बदौलत, टेक्नोलॉजी की ही बदौलत जापान ऊपर आया और उसकी 5.1% ग्रोथ नीचे हो गई है उसकी, मतलब इकोनॉमी में कोई भी नहीं है कोविड की वजह से, सारे घर पे बैठे हैं, इकोनॉमी का पट्टा बैठा हुआ है, बना भी रहे हैं तो बाहर खरीदार बहुत कम है। जारी बात है खाना सही से नहीं मिल रहा तो ऐसे क्यों ले हम से मिलूंगा। यार ये एक बहुत बुरी खबर है हम यूट्यूबर्स के लिए कि यूट्यूब अब उसने जो हरकत कर दी ना वो तो कर दी है, लेकिन हरकत क्या की है कि जो नॉन मोनेटाइज्ड यूट्यूब चैनल है जैसे संदीप मिश्री वो नॉन मोनेटाइज्ड नहीं है, उन्होंने खुद कहा कि मैं पैसा नहीं कमाता यूट्यूब से, और वो छोटे यूट्यूबर जो इनके सब्सक्राइबर 1000 से नीचे हैं उनके यूट्यूब पे एड्स तो लगेंगी लेकिन पैसा वो नहीं कमा सकेंगे। 1000 से नीचे हैं उनकी वीडियोस पे एड्स तो लगेंगी 1-1, 2-2, 3-3 लेकिन उसका पैसा डायरेक्ट सारा यूट्यूब पे जाएगा, आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। क्या आपने वीडियो बनानी है पैसे पे बनाओ, आपको नहीं मिलना यूट्यूब को जाएगा। ये उसे थोड़ी सी बकचोदी मार दी है उसे। देखो फ्लाई काम तो पासा में कभी नहीं रुकते, पहले अब्दुल सारिदी साहब थे तो अब मौलाना ताजी मीर साहब आ चुके हैं। मौलाना ताजी मीर साहब ने एम्बुलेंस बनाई है
तैयार किया, एक ग्रुप बनाया जो कि 24/7 मुल्क की खिदमत करेगा। जो जो उम्मतें या जो कौमें जो लोग सोचते हैं कि मुल्क इस मुल्क को तबाह कर दे, वो सोच लें हमारा यहाँ पे सोशल फाइबर है, ऐसे ये मुल्क तबाह भी हो जाए, नहीं हो सकता ये मुल्क तबाह। लो जी, इसराइल वर्सेस पैलेस्टाइन, अब इसे बात करते हैं। देखें, मैं सबसे पहले बात बता दूं, ये आप भूल जाएं कि इसराइल कोई स्टेट, कोई मुल्क है, कोई कंट्री है, रियासत तो है, लेकिन ये अमेरिका की रियासत है। फिर मैं बताता हूँ कि अगर पाकिस्तान हमला करने की धमकी देगा ना, इसराइल का पट्टा बैठ जाएगा, पाकिस्तान इसके तोड़ के लिए बना है। तो आप समझ लें कि अल्लाह ताला का कानून है कि अगर कोई वबा आती ना, उससे पहले उसकी दवाई जो है वो दुनिया में बन जाती है। वो अलग बात है कि हमें ढूंढते ढूंढते बड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन दुनिया में अब कोविड की जो वैक्सीन है वो है दुनिया में, जो मुअसर है। ऐसे ही इसराइल एक वबा है जिस इसका तोड़ पहले ही वजूद में आ गया था, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान, पाकिस्तान इसराइल के तोड़ के लिए बना, तभी तो आज तक हमने रिकग्नाइज नहीं किया, इसराइल ने जंग बंद कर दिया। ये हम सब मुसलमानों की अभी एक बहुत बड़ी ताकत है। अभी प्लस फैक्टर में बता देता हूँ, इससे क्या हुआ, आपकी जो मुस्लिम उम्मा है वो ऐसे ऐसे इकट्ठा हो गई, ऐसे सारे मुस्लिम ममालकों की एक ही राय है। पाकिस्तान ने यूएन में जाके बहुत अच्छी तकरीर की, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, फिलिस्तीनी वफ्त ने जब तकरीर की तो इसराइली वफ्त भाग गया। हमास ने बहुत अच्छा जवाब दिया, ओए होए, हमास ने ऐसा जवाब दिया इसराइल के गोडे फट गए हैं। हमारा तो बहुत नुकसान हुआ ना, फिलिस्तीन का तो $100 अरब के लगभग नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे हमें, लेकिन इसराइल का बिल्कुल कम नुकसान नहीं हुआ। अगर 20 फिलिस्तीनी मरे हैं तो 2 से 4 यहूदी भी मरे हैं, और यहूदियों की एक जान उधर बड़ी अजीज है यूएसए में। नेतन्याहू की मकबूलियत कम हुई है क्योंकि इसराइल में बहुत हंगामे मच रहे हैं, रो रहे हैं बेचारे कि उन्होंने वो अच्छा तिनल बैप में क्या हो रहा है, वो एहसास पकड़ के बैठे हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि हम जीते हैं क्या हारे हैं। तो भैया आप हारे हो, आपने अपना अहदाफ, अपने आपने जो आपके अहदाफ थे वो आपने मुकम्मल नहीं किए, उनके जो अहदाफ थे कि इनको इतना मसल के रख देना वो पूरा नहीं हुआ। 4 साल पहले 50 दिन तक जंग चली थी, अब सिर्फ 10 दिन अच्छा 11 दिन 10 दिन जंग चली है, 11 दिन जंग खत्म हो गई है, आगे बोलो। और लेकिन अभी भी इसराइल जो है वो बैतुल मक़द्दस पे हमले कर रहा है, वो जाहिर सी बात है। देखो यार, यहूदियों के अंदर मुनाफ़त है, सजा देगा उन्हें, पहले ये गारत होंगे, फिर यजीद मजूद निकलेंगे, फिर जो ईसाई हैं वो मुसलमान हो जाएंगे, और ये अल्लाह की प्लानिंग है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। Bitch, you wanna vibe in a high zone, yeah. Bitch, you want a piece of the pie. Shitty bitch, won't you get excited? I'm too drunk and high for this shit, baby. I'm young and vibe, I'm on a drip heavy.